और आप बात करा भाई भिवानी में तो क्या हरियाणा की बात करा भिवानी की नहीं तो इसका बड़ी जो है कभी कभी भी टूर्नामेंट नहीं हुई जी नहीं हुई बिल्कुल एक सराहनीय कदम है भाई देखने लग रहे भाई जो बेस्ट राइडर और बेस्ट ट्रैक्टर जो है इनाम दिए जाओगे वही बाबा बात करा फर्स्ट जो है 5 लाख रुपए सेकंड 3 लाख रुपए और 2 लाख रुपए का इनाम जो है के साथ में कुछ और साथी है उनसे बहुत करोड़ों के इनाम है। ये ट्रैक्टर है बेस्ट कैचर की ट्रैक्टर है जैसे हाँ भाई जो कबड्डी टूर्नामेंट की जो टीम होती है उनको एंट्री फीस जमा करानी पड़ती है और यहाँ पे एंट्री फीस बिल्कुल यहाँ पे कोई एंट्री फीस नहीं है और टीम में आई है और खेल लिया एक पैसा किसी से एंट्री फीस नहीं ली गई है। किशन तेल जी ने व्यवस्था का संभाल रखा कोई और उसी के साथ में उसके में साथ में जो है बेस्ट रेटर लग रहे हैं तो उससे भी साफ जो है भाई कृषि को भी बढ़ावा देने बिल्कुल जय जवान जय किसान की यही सोच है। जवान आगे बढ़ेंगे किसान आगे बढ़ेंगे कृषि का हमारा रूप है ये ट्रैक्टर इससे कार्य होगा और करेंगे तो भाई उसके साथ में ताऊ है तो बात भिवानी की मतलब हरियाणा के रखे थे जो का इनाम रुपया इनाम देखते हैं कहीं 70,000 कहीं 1 लाख यही देखते 5 लाख का ने आप किया तो राम 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 तो आप कि इस कबड्डी भी पहला जो है भिवानी में कबड्डी हो रही है खेल के प्रति जागरूक खेल के प्रति प्रोत्साहन होगा और आगे बढ़ेंगे खिलाड़ी तो और अब तो युवाओं के बीच में रहा हूँ। पिछले कुछ दिनों से जिस प्रकार प्रदेश के अंदर अपराध की जो घटनाएं घटी अपराध जिस प्रकार बढ़ा तो उसका कारण सबसे बड़ा जो मुख्य कारण था वो नशा था। ये चाइना और पाकिस्तान की स्कीम है इस रणनीति के तहत कि युवाओं के नशों के अंदर नशा को छेड़ दिया जाए ताकि देश की जवानी बर्बाद हो। तो हम चाहते हैं कि युवा खेल की तरफ नौजवान अपने देश की नहीं ये स्वाभाविक है
इनाम इसीलिए लंबे चौड़े रखे ताकि आकर्षित हो, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि बेस्ट कैचर या तीन इनाम होते हैं, हमने बेस्ट कैचर और बेस्ट कैचर के दो मेसी ट्रैक्टर दिए हैं और प्री क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में 12 मोटरसाइकिल दी है और प्री क्वार्टर फाइनल के लिए पहला इनाम 5 लाख रुपये, दूसरा 3 लाख रुपये, तीसरा जो है 2 लाख रुपये और 4 टीमों को 1-1 लाख रुपये, 16 टीमों को 21-21 हज़ार रुपये, 22 टीमों को 11-11 हज़ार रुपये, ऐसे हमने भी इनाम का वितरण किया है ताकि ज़्यादा टीमें देख करके जाएँ, ज़्यादा नौजवान इसकी तरफ आकर्षित हों और ज्यादा खिलाड़ी यहाँ से निकल करके। किसान के बेटे यहाँ पर चूंकि जो है कबड्डी खेलने के लिए आए और मकसद साफ है कि उनको जो ट्रैक्टर दिए जा रहे इनाम के तौर पर घर में भी काम आएगा, एक इनाम भी रहेगा और साथ ही साथ जो है कृषि के क्षेत्र में अगर बात करें तो वहाँ भी बढ़ावा मिलेगा, कहीं ना कहीं मकसद यही माना जा सकता है। हाँ, मकसद यही है कि हमारे यहाँ कबड्डी का जो सर्कल कबड्डी का जो गेम है हरियाणा और पंजाब का मूलतः खेल है, तो यहाँ पर खेती बाड़ी का किसानी करने वाले लोगों का ये प्रदेश है, दोनों प्रदेश जो है वो किसानों को खेती वाले प्रदेश है, तो ये मोटिव यही है कि ऐसे जीत करके जाएंगे, गांव में जाएंगे, लोगों को पता भाई भाई पर तो एक इंसान को दवार पर गंदगी में आ जाए अपना दाए भाई अंकुर वार पर गंदगी डाली के बार बार इस डाले में आ जाओ बार डाली के बार इस आयोजन में भाग ले रहे हैं अगर बात अभी तक 100 हमने रोक दी गई क्योंकि अगर ज्यादा टीमें करेंगे तो मैच हो नहीं पाएंगे, तो एंट्री का टाइम था 12 बजे तक का, उसको बढ़ा करके हमने 2-2.5 बजे तक ली, फिर भी परंतु फिर भी टीमें आ रही थी, अभी 140 टीमों के मैच होने पूरे देश भर से। अभी पंजाब का हमने जिक्र किया था, पंजाब की आवाज सुनी थी, राजस्थान की आवाज सुनी थी, आज जो मैच होगा जी शमशेर शेखपुरा और सागवान भी कुछ अच्छी टीमें हैं जी, टीमें आई है शमशेर शेखपुरा हरियाणा पंजाब सागवान भी और थोड़ा सा सागवान भी और पश्चिम उत्तर राहुल भाई ये भी जय है कमेटी का जिनको विश्वास करो और वहीं के लोग हैं ये तो पूरे है जी हां जी सागवान भी भाई युवाओं को धन्यवाद था रहे तो जागरण मारा भाई। क्या ये माना जा सकता है कि ये उसके अनुवर्ती में उसके आगे जो है जो एक सोच थी एक योजना थी उसको बढ़ाने की एक कवायद है मुकेश रोड माने मुख्यमंत्री जी ने जो शुरुआत की थी, हम भी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए थे, छोटे रूप में उनके जो आदेशानुसार उन्होंने जिस प्रकार की कल्पना की थी कि सागवान भी हौसला बढ़ाते रहे अगर टीम है, उसी काम को हम भी आगे बढ़ा तो उनमें प्रेरणा आएगी, इस बात को मोटिवेशन मिलेगा कुछ सागवान भी आ रही तो मैच पूछे थे निश्चित तौर पर। हाँ जी मुझे बात करने के लिए मुकेश गोड हरियाणा युवा ठीक है जी पहले से ही ठोकर केवल युवाओं के लिए और दावेदारी तो मुकेश गोड पहले से क्योंकि युवाओं में और हल्के में एक विशेष उनके लिए जब से अध्यक्ष बने हैं और अध्यक्ष बनने से पूर्व में ही हल्का खुद चाह रहा है कि कोई ऐसा युवा आ गया है जो उनकी मांगों को पूरा कर सके। वो कहना है भाई दो वाणी की जनता चावी तो भाई लगातार देखने लग रहे हो आप ऐसा टूर्नामेंट है जी, वैसे मेरा सोनू है भाई यहाँ प्रसिद्ध समाज सेवी सोनू सुनिया होगा 21,000 लड़की और 5100 लड़के गोद लेके पुवाणी खेड़ा हल्का से छुट्टी दी है मैंने भी भाई और बाली बला राज के साथ और अभी जीत आए और अब बात करा भाई भिवानी में तो क्या हरियाणा की बात करा भिवानी की नहीं तो इस तरह बड़ी जो है कभी कभी टी टूर्नामेंट नहीं हुई जी नहीं हुई बिल्कुल एक सराहनीय कदम है भाई मुकेश वैसे मेरे लिए भी है ये और आप जो है मतलब जनता हाँ जी हर एक मतलब हरियाणा में हर एक जिला जो नशे का आदि हो गए युवाओं को इसी अच्छी सी खेल से भाई इतना बड़ा टूर्नामेंट देखने को लगातार फिलहाल तो आप लग रहे थे भिवानी तक जो है एक विशाल हरियाणा की जो है सबसे बड़ी कबड्डी टूर्नामेंट इसका तो ये कहूँगा भाई वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।
वैसे जी हमें भोपाल में भी बागी फर्स्ट आए हैं। मैन ऑफ द मैच का टूर्नामेंट मेरे को ही दिया गया था और सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज मेरे भाई रवि को दी थी। मैं चार खेलों का क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी और कुश्ती का विशेष खिलाड़ी, मेरे को कोई कहीं भी बुला सकता है। नंबर 53189002 मेरा नंबर है और नारायण अकेडमी जगवीर नैराम है और भाई नारायण शीश। और वैसे मैं भाई बदराज कुंडू का सामाजिक चलाता हूँ, एक टूर्नामेंट भी करवाया गया 18-19-20-21 अजीतपुर और सदावर्त भंडारा शुरू हो रहा है 21 मार्च से बस स्टैंड जीती है भाई बदराज कुंडू। तो लगातार वीडियो ना ज्यादा से ज्यादा तो भाई शेयर करें और हमारे चैनल में सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।